बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम टॉपिक शुरू करने लगे हैं 2.6। टॉपिक है सफ़ा नंबर 45 पे। टॉपिक का नाम है कुव्वत नुमा, और इंग्लिश में इसे कहते हैं एक्सपोनेंट और इंडेक्स। टॉपिक बहुत ही आसान है। टॉपिक पे ऐसे कि उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि कभी कभी आपको ऐसे लिखना पड़ता है ना, कि जैसे पाँच है उसको आपने तीन दफ़ा ज़रा, सॉरी, पाँच को आपस में तीन दफ़ा ज़रा देनी है इसी तरह। अब ये तो कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है, आप आसानी से इस तरह लिख सकते हैं, लेकिन फ़र्ज़ करें कि आपने इसको छः दफ़ा ज़रा दी, तो आपको थोड़ा सा इनकन्वीनियंट होगा कि इतना लंबा लिखा हुआ है। अगर आपको ये चीज़ बार बार लिखनी पड़ जाए, होता है ना, आप स्टेप्स में लिखते हैं तो पहली लाइन में भी ये लिखें, दूसरी लाइन में भी ये लिखें, तीसरी में ये लिखें, तो बार बार अगर इसको लिखना पड़े तो खासा इनकन्वीनियंट है ना। लेकिन चलो, छः दफ़ा लिखना है आपने, पाँच को पाँच ज़रा पाँच ज़रा पाँच ज़रा पाँच ज़रा पाँच ज़रा पाँच, तो काबिल बर्दाश्त है। लेकिन जनाब, अगर ऐसे करके आपको लिखना पड़े, तो फिर आप कहेंगे यार ये तो बहुत ही मुश्किल काम है, कुछ आसान तरीका होना चाहिए इसका। तो इनको लिखने का जो आसान तरीका है ना, वो हमारे टॉपिक का जो है ना, वो मतलब टॉपिक उससे मुतालिक है, और टॉपिक का वो कोर है वो ये है कि उन्होंने इसको लिखने का एक आसान तरीका ये बताया है कि आप देखिए, पाँच है ना, ये पाँच 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 लिख लें इधर, इसे कितनी दफ़ा आपस में ज़रब दे रहे हैं, एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, तो तीन लिखते हैं। अब आपके लिए इस लफ्ज़ को लिखना आसान है, और अगर आपको फ़र्ज़ को सवाल हल कर रहे हैं, पहले स्टेप में भी लिखना है, दूसरे में भी लिखना है, तीसरे में भी लिखना है, तो आपको उलझन नहीं होगी ये लिखते हुए ना, आसान है लिखना 5 रेज़ टू पावर 3। और अगर ये चीज़ अगर आपको बार बार स्टेप्स में रिपीट करना पड़े तो आपके लिए तो बहुत ही मुश्किल होगी। तो इसको आसान करके आप लिख लें 5, और कितनी दफ़ा ज़रब दी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो मैंने देखें कितनी आसानी से लिख दिया थोड़ी सी जगह पे, जबकि ये लिखते तो आपकी आपके पेज की पूरी लाइन ही भर जाती। तो इसी तरह इसको आप लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 5 की ताकत 6, ऐसे करके। आमतौर पे ब्रैकेट नहीं लगाते, लगा दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये तो आपको समझ में आ गया कि किस तरह आप इनको आसान तरीके से लिख सकते हैं। आप कुछ चीज़ों को डिफ़ाइन कर दें। अब मैं 5 रेज़ टू पावर 15 की ही बात कर रहा हूँ। इसके अंदर इसको आप कहते हैं बेस, या इसे आप असास कहते हैं, इसको आप कुव्वत नुमा कहते हैं, या एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक है, तो अगर फ़र्ज़ करें कि आपके पास ये लिखा हो 100 रेज़ टू पावर 200, तो जो 200 है वो कुव्वत नुमा या एक्सपोनेंट है, और ये आपका बेस है। ठीक है, अच्छा। अब उन्होंने ना दूसरे पैराग्राफ में एक स्टेटमेंट दी हुई है, वो थोड़ी सी ज़रा कंफ्यूजिंग लगती है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं। देखें, आप जनरलाइज करना शुरू करें चीज़ों को, बल्कि उससे पहले इस चीज़ की बात करते हैं एक सेकंड ज़रा, कि 5 रेज़ टू पावर 7 है, इसका क्या मतलब है? 5 × 5 × 5 × 5 × 5, 1 2 3 4 5 6, और ये 7। ठीक है, तो यहाँ मैंने इसको इस तरह डिफाइन किया है कि ये बेस है उसको, गौर कीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, बेस को आपने 7 दफ़ा लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7। क्या है? राइट द बेस
सेवन टाइम्स एंड पुट मल्टीप्लीकेशन साइन इन बिटवीन दैम। गौर कीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ कि इस सात का मतलब ये है कि बेस को आपने सात दफ़ा लिखना है और दरमियान में ज़रब का निशान डाल देना। बुक में वो जो थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीके से बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि अगर आपसे कहा जाए कि पाँच को, मैं इधर लिखता हूँ ठहरे ज़रा, अगर आपसे कहा जाए कि पाँच को अपने आप से, पाँच को अल्फाज पे गौर करें, पाँच को अपने आप से या अपने जैसे पाँचों से, एक ही बात होगी ना, पाँच को अपने आप से छः दफ़ा ज़रब दे, पाँच को अपने आप से छः दफ़ा ज़रब दे, एक दो तीन चार पाँच छः। इस को पाँच अगर हमने बड़ा लिख दिया तो इससे पाँच की कीमत तो नहीं ना बढ़ गई, है तो पाँच वही ना, तो इसको मैं क्या लिखूँगा, लिखूँगा तो 5:7 ही लिखूँगा ना, ठीक है ना। लेकिन इसको दूसरा तरीका जो बुक में वो बात कर रहे हैं और एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर पाँच को अपने आप से पाँच दफ़ा ज़रब दी जाए, सॉरी छः दफ़ा, यहाँ छः, पाँच को अपने आप से छः दफ़ा ज़रब दी जाए तो उसको आप ऐसे करके लिखेंगे 5:1+6, ठीक है। पाँच को अपने आप से छः दफ़ा ज़रब दी जाए, एक दो तीन चार पाँच छः, यानी कि एक पाँच, ये जो पाँच लिखें उसके बाद अपने जैसे इन पाँचों से इनको छः दफ़ा ज़रब देनी, एक दो तीन चार पाँच छः, तो उसको आप लिखेंगे 5:1+6। तो बात तो वही है ना, कान को इधर से पकड़ लें उधर से पकड़ लें, है तो 5:7 ही ना। इसको उन्होंने जनरलाइज करके ये लिखा हुआ है कि ये लिखा हुआ कि मैं बल्कि स्टेटमेंट पढ़ता हूँ कि एक्स की एन मरतबा बाहम ज़रब, एक्स की एन मरतबा बाहम ज़रब कि एक्स को एन दफ़ा बाहम ज़रब देनी है, तो उसको उन्होंने x^n+1 लिखा है, जो कि एक्स 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 इंटू एक्स इंटू एक्स 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 करके ऐसा लिखा हुआ उन्होंने। अगर आप मेरी ओपिनियन लें, मैंने कोशिश तो की आपको समझाने की, लेकिन मुझे बुक वालों की जो स्टेटमेंट है खासी कन्फ्यूजिंग लगी है कि वो इससे कहना क्या चाह रहे हैं। कॉन्सेप्ट सीधा साधा है कि 5 की पावर 7 हो, उसका मतलब ये है कि 7 दफ़ा 5 लिखें और दरमियान में ज़रब का निशान दे दें, बात ख़त्म, सीधी सादी बात है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई कुछ नहीं। उसको जो इस तरह घुमा के जी पाँच को आपस में, पाँच को पाँच से छः दफ़ा ज़रब दें, पाँच को पाँच से छः दफ़ा ज़रब दें, तो इस पाँच को छः दफ़ा ज़रब दें, एक दो तीन चार पाँच छः, पाँच को इस पाँच को पाँच से छः दफ़ा ज़रब दें, तो ये पाँच ये पाँच ये पाँच, फिर 5:1+6 लेके अब बात तो घुमा के वहीं आ गई ना 5:7, तो फ़र्क तो कुछ भी नहीं, तो फिर आप सीधी साधी ये क्यों नहीं बात करते। बहरहाल मैं बहरहाल इसी चीज़ को आगे इस्तेमाल करूँगा। अच्छा, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है, एक और चीज़ याद रखिए कि x^n को x की जो है ना, ये x की nth पावर कहते हैं, जो कि सीधी सीधी बात है कि x की पावर n x की nth पावर है। जैसे अगर x की पावर 2 हो तो अब x की दूसरी पावर है ना, ये दूसरी पावर है, x की ये 3 हो तो x की ये तीसरी पावर है, ठीक है ना, ये तो सीधी सादी बात है। और फिर उन्होंने ये लिखा कि x^n में जो n है वो क्या है, कुव्वत नुमा या इंडेक्स, या हम इस बारे में बात कर चुके हैं, और ये क्या है, बेस असास। तो ये जो जनरलाइज है, जनरलाइज इसलिए करते हैं कि फ़र्ज़ करें कि
मतलब आप, हमें पता नहीं ना कि हम किस चीज़ की बात करें, तो फार्मूले तो हमेशा जनरलाइज होते हैं ना, तो इसका मतलब कुछ भी हो सकता है कि 2 रेज़्ड पर 100 भी हो सकता है, 100 रेज़्ड पर 2 भी हो सकता है, ठीक है ना, 500 रेज़्ड पर 7 भी हो सकता है। तो जो कुछ भी है, जो चीज़ नीचे लिखी हुई है वो आपकी बेस है, ये आपकी बेस है, और जो चीज़ पावर में लिखी है वो आपका कुवत नुमा है। कुवत है ना ऊपर, कुवत नुमा, कुवत हमेशा आमतौर पे ऊपर को होती है ना, बड़ी चीज़ कुवत पावर, तो ये याद रखिएगा, इसमें मुश्किल कोई नहीं। अब हम करते हैं कि एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं और फिर इसी में ना एक्सरसाइज कर लेते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत ही आसान है। लिखा है जी 5/7 की पावर, इसको मुख्तसर करें, इसको मुख्तसर करना तो क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लें, तो इसको आपस में ज़रब दे दें, 125 आ जाएगा, और बुक में लिखा हुआ है 343 आ जाएगा, ये मुख्तसर होगी। मेरे ख्याल में तो ये भी खासी मुख्तसर तरीके से, अच्छे तरीके से लिखी हुई है। अगर वो ये कहते, बुक में लिखा है जी मुख्तसर करें, तो मेरा ख्याल है कि ये सबसे मुख्तसर तरीका लिखने का। लेकिन अगर वो कहते हैं कि इसमें आप जो है ना क्यूब रूट को या पावर के निशान को ख़त्म करें, तो फिर ये जवाब ठीक था और ये आपने ठीक किया है। लेकिन बहरहाल उन्होंने जो भी अल्फाज इस्तेमाल किए, चाहते वो ये थे कि इसका आप जो है ना ब्रैकेट खोल लें तो ये जवाब दे दें। तो अब इन जो है ना, हम आगे हम एक्सरसाइज 2.6 शुरू करते हैं, इंशाल्लाह इसी वीडियो में करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.6, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें कहते हैं कि इनकी जो भी जुमले लिखे ना, उनकी आपने असास और कुवत नुमा बताइए। बड़ा अच्छा सवाल है, एक कन्फ्यूजन को भी दूर करेगा। पावर देखें किसके ऊपर लगी हुई है, पावर 9 के ऊपर नहीं लगी, पावर एक्स के ऊपर लगी हुई है, तो ये आपका कुवत नुमा है, ठीक है, एक्सपोनेंट है, और ये जो है ना आपका एक्स, ये बेस है, ये याद रखिएगा। अच्छा सवाल है ये, मुझे शायद पहले क्लियर करना चाहिए था, लेकिन बड़ा अच्छा उन्होंने ये सवाल दे दिया। तो 9 वैसे साथ लिखा हुआ है, लेकिन कुवत नुमा या एक्सपोनेंट या बेस और या असास जो है ना, वो ये चीज़ें हैं, एक्स स्क्वायर को मतलब मद्देनज़र रख के लेंगे। दूसरा सवाल है x की 7, तो ये आपका कुवत नुमा या एक्सपोनेंट है, ये आपका बेस है। तीसरा सवाल p-6 और इसका क्यूब, बड़ा अच्छा सवाल है। अब देखिए पावर किसके ऊपर है, इस पूरी चीज़ के ऊपर पावर है ना, तो ये चेंज करता हूँ, ये आपकी सारी चीज़ बेस है, और ये तो है ही है एक्सपोनेंट। अच्छा सवाल है, इंटरेस्टिंग सवाल है, चीज़ें इससे क्लियर होती जा रही हैं। चौथे वाले को भी इधर ही कर लेते हैं, सारे कर लेते हैं इधर। चौथा वाला क्या है, -8y उसकी पावर 3, फिर गौर करें, पावर है पूरे वाले के ऊपर, तो ये पूरा का पूरा आपका बेस है, या आपकी एक्सपोनेंट है, या कुवत नुमा है, या इंडेक्स है, या पावर है, जो भी कह लें। पांचवा वाला क्या है, और आखिरी -15a³, ये पहले वाले से मिलता जुलता है, 9x² से ये मिलता है, -15a³, क्योंकि इसमें देखें पावर का निशान सिर्फ ए के ऊपर है ना, तो ए जो है ना हमारा वो एक्सपोनेंट है, और ये जो ए है ना ये हमारा बेस है। जवाब मैंने साथ देख लिए हैं सारे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, कुवत नुमाई शक्ल में लिखें, कुवत नुमाई शक्ल में लिखें, ठीक है, 3 × 3 × 3, ये क्या होगा 3³, ठीक है, 1 2 3, 3 दफ़ा आया ना, 3³ आ गया, आ गया 5 p p p और p, 5 एक ही दफ़ा, इसको उधर ही छोड़ दें, 1 2 3 4, 4 दफ़ा आया ना, तो p कितनी दफ़ा आया, 4 दफ़ा।
अब मैं क्योंकि ये सवाल कर रहा हूँ ना, तो मैं आपको ना एक और सवाल अपनी तरफ से एग्जांपल बताता हूँ, जो कि मैं इससे मुझे ख्याल आया वो चीज़ क्लियर कर देगा आपकी और कॉन्सेप्ट्स को। अगर ये लिखा हो कि पी 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 और उसके बाद उन्होंने लिखा हो जी क्यू 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 क्यू, ऐसे सवाल हो तो इसको आप लिखेंगे एक पी की पावर क्या है, फोर। पी चार दफ़ा है ना, 1 2 3 4, और क्यू कितनी दफ़ा आया, 1 2 3 4, तो क्यू की भी पावर 4 है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, यानी कि बेस सेम होना चाहिए, उनको आपस में मिलाते हैं, बेस सेम था इनको आपस में मिला दिया, इधर बेस सेम था तो इनको आपस में मिला के ये कर दिया ये, ठीक है। और इधर पी के बेस सेम था तो इसको मिला के ये कर दिया, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास लिखा हो कि जी ए ए बी 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 सी 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 सी, ये बेस है ना ए, इसका कितनी दफ़ा आया, 2 दफ़ा आया तो 2 लिखते हैं। बी बेस है ना इसका, इसका इसका ये बेस है, कितनी दफ़ा आया, 3 दफ़ा, 3 लिखते हैं। और सी 1 2 3 4 5, इसको ऐसे लिखते हैं। बहरहाल सवालों की तरफ वापस आते हैं। तीसरा सवाल है एक्स वाई एक्स वाई, तो ये क्या है, एक्स वाई की पावर 2 -7 × 7 × 7 × 7, तो माइनस का साइन उसी तरह, 7 की पावर क्या है, 1 2 3 4। इसको आपने बुक में ऐसे लिखा हो, ऐसे भी लिख सकते हैं। और आखिरी वाला पार्ट है -a × -a × -a × -a, लाइक -a बेस है आपका, इसकी पावर 4 है। ये सवाल हो गया। अगला वाला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कह रहे हैं कि बताएं कि 3y होल स्क्वायर और 3y स्क्वायर में क्या फ़र्क है। भाई फ़र्क ये है कि इसमें आप 3y जो है ना, ये बेस है, इसमें सिर्फ y बेस है, इसमें 3y पूरी चीज़ का एक्सपोनेंट ये 2 है, इसमें सिर्फ वाई का एक्सपोनेंट 2 है। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि 3y बेस है ना, अगर उसकी पावर 2, इसका मतलब है कि बेस को 2 दफ़ा लिखना है ऐसे, या आप 3y × 3y ऐसे लिख लें। इधर मतलब ये है भाईजान के 3 × y × y, वाई है ना पावर 2 है ना, यानी कि वाई को 2 दफ़ा लिखना है ऐसे करके, ये फ़र्क है देख लें। ये बनता है 9y² बनता है, जबकि ये 3y² है। सवाल नंबर 4, खाली जगह पूरी कीजिए कि -4 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, खाली जगह दी हुई है। तो -4 × -4, मैं देखता हूँ कि आप यही इसी तरह जवाब चाह रहे थे। सवाल कौन सा, ये 4, इसका जवाब उन्होंने 16 लिखा। बहरहाल ये ले, 16 लिख देते हैं। अगला वाला है -5 की पावर 4, नहीं मैंने गलत लिखा है, -12 है, माइनस ये पॉजिटिव है अंदर, 5 की पावर 4 ये सवाल है। तो -5 की पावर 4 क्या होगी, 5 × 5 × 5 × 5, ये -625। फ़र्क देखा, यह माइनस अंदर था ना, इसकी पूरी पावर 2 थी ना, तो -4 को -4 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस ख़त्म हो गया, जबकि इधर माइनस अकेला था, बाहर था, 5 की सिर्फ पावर 4 थी, तो वो माइनस बरकरार रहा। और अगला वाला पार्ट है -6/7, इसका क्यूब, -6/7 का क्यूब का मतलब ये कि -6/7 × -6/7 × -6/7, ठीक है। आप माइनस को माइनस से ज़रब दें, प्लस होगा, प्लस को माइनस से ज़रब दें तो माइनस आ गया, 6 को 6 से ज़रब दें 36 आता, 36 को 6 से ज़रब दें, मैं बुक से जवाब कॉपी कर रहा हूँ, 216 आता है, 7 को 7 से ज़रब दें तो 49 आता है, 49 को अगर 7 से ज़रब दें तो 343 आएगा, नेगेटिव बरकरार रहा।
यहाँ एक और चीज़ आपको बताते चलें, और इस सवाल से मेरे जहन में आई है, अगले पेज पे देखते हैं कि माइनस है ना, किसी भी चीज़ के साथ माइनस लगाओ साइन, जैसे -400 है या माइनस ए और इसकी पावर 2 है, यहाँ ये कि माइनस आई नो कोई भी है एक्स है उसकी पावर 100 है, इसी तरह माइनस है उस एक्स है उसकी पावर 99 है। माइनस एक्स मैं इसलिए ले रहा हूँ कि अब जेनेरिक कोई भी वैल्यू हो उसकी पावर 7 है, ठीक है। याद रखिएगा कि जब पावर इवन होती है ना, जुफ्त होती है, तो वो माइनस का साइन ख़त्म हो जाता है, ख़त्म हो जाता, ठीक है। माइनस का ये साइन है ना, ये ख़त्म हो जाता, क्योंकि माइनस को माइनस से ज़रब दें तो वो प्लस हो जाता है ना, तो जब वो इवन दफ़ा आप देंगे ना ज़रब, तो वो प्लस ही हो जाएगा। लेकिन माइनस के ऊपर जो पावर, यानी कि ये वाला 99 पावर 99 हो, या कोई भी ऑड पावर हो, जैसे ये थी ऑड हो ना, तो माइनस का साइन आंसर में ना बरकरार रहता है, ठीक है। दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं सिंपल करता हूँ बात को, -2 की पावर 4 लेता हूँ ना, तो ये 16 तो आएगा, लेकिन ये माइनस ख़त्म हो चुका होगा, क्योंकि -2 को -2 से ज़रब दी, फिर -2 से ज़रब दी, फिर -2 से ज़रब दी, तो ये माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस, ये तो ख़त्म हो गया। लेकिन अगर -2 को मैं पावर 3 हो, तो क्या होगा, ये -8 होगा, क्योंकि -2 को मैं -2 से ज़रब देता हूँ, फिर -2 से देता हूँ, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है ना, और प्लस को माइनस ज़रब दूंगा तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस आ गया, ठीक है। यानी कि जब माइनस के ऊपर पावर इवन होगी तो वो माइनस ख़त्म हो जाता है, जब माइनस के ऊपर पावर ऑड हो तो वो ख़त्म नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि इनका जवाब जो है पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। -15 है इसकी पावर 4 है, आप देखिए माइनस के ऊपर पावर क्या है 4, तो जवाब क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। दूसरा वाला पार्ट है -4/7 पावर 2। अब देखें, अब माइनस यहाँ बाहर चला गया है, बेस के अंदर माइनस नहीं है, पावर जो 2 है उसकी जो 4/7 बेस है इसके साथ माइनस नहीं है, लिहाजा इसका जवाब नेगेटिव होगा। हाँ, अगर अलबत्ता अगर सवाल ये होता कि -4/7 इसकी पावर 2 होती, तो फिर जवाब पॉजिटिव ही होता। जब बाहर है तो फिर इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इधर पावर ऑड है या इवन है, ये बस माइनस ने आना ही आना है। लेकिन इससे मुझे एक और सवाल याद आया कि फ़र्ज़ करें ऐसे लिखा हो, -4/7 की क्यूब लिखा हो, तो इस क्यूब की वजह से चूंकि ऑड पावर है, तो ये वाला जो माइनस है वो तो माइनस ही रहेगा क्योंकि इस पावर ऑड है, लेकिन जब ये माइनस इस बाहर वाली माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, तो जवाब फिर पॉजिटिव हो जाएगा। तो ज़रा ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, मे भी ऐसा कोई सवाल भी आ जाए। अगला वाला है -5, बल्कि आ ही गया, -12 की पावर 2। अब देखें ये माइनस है और तो ये पावर इवन है, तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, इसका इम्पैक्ट ख़त्म हो जाएगा, लेकिन और जवाब इसका पॉजिटिव यानी कि 144 होगा, लेकिन जब इस 144 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे जवाब नेगेटिव आएगा। उससे आगे है, ये पहला वाला पार्ट था, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला पार्ट है 21 का क्यूब, चूँकि इसमें माइनस है ही नहीं, जवाब पॉजिटिव होगा। पांचवा वाला क्या है, -15/57 की पावर 101, पावर ऑड है, जवाब नेगेटिव आएगा। और आखिरी सवाल है -12/305 की पावर 64 है, अब पावर इवन है ना, जवाब पॉजिटिव आएगा। आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 6, क्या बताएं कि 5a और a की पावर 5 में क्या फ़र्क है। इसका मतलब भाई ये है कि 5 को सिर्फ a से ज़रब दे रहे हैं, और a की अपनी पावर 1 ही है ना, a को हम एक पावर को हम लिखते नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि ए जो है उसकी पावर 5 है, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये ऐसे है,
ठीक है, तो ये चीज़ और ये चीज़। अब फ़र्ज़ करें कि एक मैं बुक बुक का तो हमने जवाब दे दिया, फ़र्ज़ करें कि एक की कीमत 2, तो यहाँ पे इसका जवाब आएगा 10, जबकि यहाँ पे इसका जवाब आएगा 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 2 4 8 16 32, 32 आ गया। तो देखिए यहाँ 32 आ रहा है, यहाँ 10 आ रहा है, मुकाबला करके देख लें, फ़र्क है ना दोनों में, ये फ़र्क है। इसके साथ ही ये एक्सरसाइज और ये टॉपिक 2.6 ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह अगले वीडियो में टॉपिक 2.11 शुरू करेंगे, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट लेकिन बहुत ही आसान है। इंशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।